असलामुअलैकुम होम आईडी चैनल की तरफ से मैं आपका होस्ट डॉक्टर काशा मलिक आपको खुशामदीद कहता हूं। हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ आपका इंट्रोडक्शन भी कराते हैं। एक नए टॉपिक की बात करेंगे, मुर्शिद हॉस्पिटल जो कि 330 बेडेड हॉस्पिटल है और वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो कि बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। यहाँ पर हमारे पेशेंट्स बेइंतहा आते हैं। सबसे अच्छी बात मुर्शिद हॉस्पिटल की कि यहाँ पे हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं और ऑफ कोर्स एक जो प्रॉब्लम सब में बढ़ रही है, हर एज ग्रुप में हो रही है, वो है दांतों का कीड़ा लगना। तो आज हम बात करते हैं तो हमारे पास कंसल्टेंट डेंटल सर्जन मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान पटेल, और उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे डायरेक्टली आपको बताते हैं कि टूथ डिके जिसको दांत का कीड़ा कहते हैं क्या होता है। असलम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत बिजी रहते हैं बिकॉज ही इज द ओनली कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एट मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर जहाँ पे बहुत रश होता है इनके पास। हमने मौके का फ़ायदा उठा के इनको इनकी ओपीडी से थोड़ा सा टाइम दिया इनका ताकि ये शो कर सकें, ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े। तो डॉक्टर साहब हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि टूथ डिके जो आम जबान में दांत का कीड़ा लगना, ये है क्या चीज़, किस उम्र में होता है और किन वजूहात की वजह से? दांत का कीड़ा लगना जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत बेसिक सी चीज़ों से स्टार्ट होता है, मुंह की सफाई का ना होना, ठीक है। यूजुअली ये बच्चों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि बच्चे अपनी मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते, इसकी वजह से इनके दांत में कीड़ा जल्दी लग जाता है, ठीक है। मगर एक अच्छी बात ये होती है कि जब बच्चों के दांतों में कीड़ा लगता है तो उनके मुँह में पक्के दांत आने होते हैं जिसकी वजह से ये कि अवॉइड हो सकता है। मगर अगर यही कीड़ा अगर पक्के दांतों में लग जाए तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दांतों की सफाई रखें प्रॉपर, रात को सोने से पहले ब्रश करवाएं, मीठी चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे चूँकि मीठी चीज़ ज़्यादा खाते हैं इसलिए मुझे लगता है उनमें होता है, लेकिन बड़े भी तो खाते हैं और कभी कभी पक्के दांतों में भी कीड़ा लगता है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो कि आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए, वो समझते हैं दांत में कीड़ा लग गया अब तो दांत निकलवाना ही है, तो यह बता दीजिए कि ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी कि अगर दांत में कीड़ा लग जाए या दर्द हो रहा है तो वो दांत निकलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी वजह से दांतों को बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो दांतों की सफाई बेसिक, जो कि आप घर में ब्रश के जरिए, माउथ वॉश के जरिए या डेंटल फ्लॉस के जरिए कर सकते हैं। अगर ये स्टेप्स अगर नहीं हो रहे तो फिर सबसे बेसिक जो ट्रीटमेंट आता है दांतों की सफाई, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, प्लस पॉलिशिंग या फ्लोराइड ट्रीटमेंट, इसके जरिए भी हम दांतों की सफाई रख सकते हैं जिसकी वजह से कीड़ा लगना, दांतों में मास्क और कैलकुलस वगैरह जमना, इन सब से बचाया जा सकता है। अगर कीड़ा बिलफर्ज लग जाता है इन सब चीज़ों के बावजूद तो बहुत बेसिक ट्रीटमेंट होता है फिलिंग, दांतों में मसाला भरना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर फिर भी तजावुज़ करता है, अगर कीड़ा नस तक चले जाता है, इन्फेक्शन हो गया, तो उसके अंदर भी हम दांतों को बचा सकते हैं दांतों की नसों की सफाई करके, जिसको हम आम जबान में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीक़ेकार हैं जिससे हम दांतों को सेफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दांत में अगर एक बार कीड़ा लग गया, दर्द कर रहा है तो वो निकलेगा। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, और ये ज़रूर बताइए कि हम दांतों को इग्नोर काफ़ी करते हैं, हम उसका ख्याल ही रखते हैं। एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल को जो कि उसकी एज 25 से अबव है, कितने दिन पर एक डेंटल चेकअप कराना ज़रूरी है? लेकिन सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि 90% बीमारियाँ जो है ना मुँह के ज़रिए ही दाखिल होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अपने मुंह का ख्याल नहीं रखेंगे, दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे, ओरल कैविटी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बीमारियां आपके जिस्म में जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने मुंह की सफाई का ख्याल रखना है। तो इसके लिए हर पेशेंट को चाहिए, इवन चिल्ड्रन जो हैं 6 ईयर्स से बिलो या फिर 25 एज या किसी भी एज ग्रुप में हैं, वो हर 6 to 8 मंथ में एक डेंटिस्ट का विजिट करें, ठीक है। और बेसिक जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है स्केलिंग और पॉलिशिंग का, वो अवेल करें। इससे ये होगा कि सफाई रहेगी, कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा तो दर्द नहीं होगा और किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात, एक आम ख्याल है लोगों का, लोग बहुत डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से, स्पेशली बच्चे, वो समझते हैं वहाँ पे जाकर उनको इंजेक्शन लगाया जाएगा, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती, आप लोग हमेशा सेफ कर रहे होते हैं। तो ये हमें ज़रूर हमारे चैनल के थ्रू बताइए कि स्पेशली बच्चों का एक्सेस होना, क्योंकि डेंटल सर्जन्स अच्छे बहुत कम जगह पर हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल में माशाल्लाह आप होते हैं एज अ फुल टाइमर, आप यहाँ पर आपकी टाइमिंग्स ही बता दीजिएगा, डेज ही बताइएगा, जाकर हमारे व्यूवर जो आपको विजिट कर सके मुर्शिद हॉस्पिटल में, वो किस टाइम में आ जाएं आपके पास? मंडे टू सैटरडे मैं अवेलेबल होता हूं 10 to 6 o'clock। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे
छहों दिन डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में, सुबह 10 बजे से, आपकी आसानी के लिए शाम के 6 बजे तक हैं डॉक्टर साहब, कि अगर जो किसी वजह से लेट हो जाते हैं या 4 बजे के बाद आते हैं तो भी डॉक्टर साहब अपना एक्सटेंड करके इस टाइमिंग पर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पे दांत में कीड़ा लगने की ज़्यादा इस एरिया में वजूहत क्या बनती हैं? सबसे ज़्यादा वजूहत यही है कि वक्त पे दांतों का चेकअप ना करवाना, मुंह की सफाई ना रखना। यूजुअली हमारे यहाँ पे रुझान नहीं है कि रातों को दांतों की सफाई करके सोएं, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सुबह उठना है तो फिर ब्रशिंग करनी है, मुंह की सफाई करनी है। ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक गलत स्टडी है ये। यूजुअली हम पूरे दिन जो खाना पीना करते हैं, रात को अगर सफाई ना करें तो उसके ज़र्रात मुँह में रह जाते हैं, जो कि रात के अंदर 12 घंटे के अंदर तकरीबन गंदगी फैला चुके होते हैं। इससे कीड़ा लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें रात को लाजमी 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 मुंह की सफाई करके सोएं। इसके लिए माउथ वॉश है और ब्रश है। इसमें ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि ब्रशिंग टेक्निक का ख्याल रखें कि ब्रश किस टेक्निक से करना है। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ, हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं पता होता कि ब्रश किस टाइम पे चेंज करना है, टेक्निक क्या है करने की। तो इस चीज़ पे लोगों को चाहिए कि स्टडी करें, थोड़ा सा अवेयरनेस हासिल करें। लोगों को चाहिए हर 3 महीने बाद अपना टूथब्रश चेंज करें और जो टेक्निक ब्रशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तब्दील करें, ठीक है। उसको राउंड एंड राउंड मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त बात कही है। अफसोस की बात ये, मैं भी ऐसा डॉक्टर ही ऑब्जर्व करता हूँ कि गुटखा पान छालिया निस्वार ये सब चीज़ों की एडिक्शन बढ़ रही है। डॉक्टर साहब क्या इन सब चीज़ों का ताल्लुक है दांत की कीड़ा लगने में? बिल्कुल, इनका ताल्लुक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिन चीज़ों का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, पान छालिया गुटखा नसवार, इवन हम जो चाय कंज्यूम करते हैं, कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, ये भी स्टेन्स प्रोवाइड करते हैं दांतों में। एक मोटी सी लेयर बन जाती है दांतों की, इसकी वजह से दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें जो भी चीज़ आप खा रहे हैं पी रहे हैं उसके बाद एक माउथ वॉश कर लें नॉर्मल तरीके से, या तो पानी पी लें। इससे ये होगा कि जो ज़र्रात मुँह के अंदर मौजूद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो दांत कीड़े के हिसाब से हमने आज बात की है। आपका कोई भी सवाल हो डॉक्टर साहब के साथ हमारे चैनल के थ्रू इनसे पूछ सकते हैं, उनका दोबारा इंटरव्यू आपके लिए इसी सिलसिले में करा देंगे। या और भी कोई टॉपिक आपको दांतों मसूड़ों से रिलेटेड बात करनी है, डॉक्टर साहब माशाल्लाह कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हैं और ये हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं दांतों से रिलेटेड, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी और बूढ़ों में तो है ही है। डेंचर का प्रॉब्लम होता है, रूट कैनालिंग का प्रॉब्लम होता है, एक्सट्रैक्शन का मसला है, लेकिन आप उससे कंसल्टेंट डॉक्टर से बात करें, फिर वो आपको ऑप्शंस देते हैं। अक्सर होता है डॉक्टर साहब आप लोग ऑप्शंस भी देते हैं, exactly. 3-4 चीज़ें बताते हैं और फिर जो पेशेंट को सूट कर रहा हो, हाँ, तो इसका भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अगर हम फ्लिंग को ले लें, मल्टीपल फ्लिंग मटीरियल्स मौजूद हैं, मल्टीपल तरीके से की जाती है। अब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है किसके ऊपर कौन सी फिलिंग करनी है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं होता या नहीं करवाया जा सकता, सिर्फ दांत निकाला जा सकता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है, डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता है, तो डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दफ़ा डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर उस्मान पटेल जो कि कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हैं मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर पे, और ये 6 दिन होते हैं। इन्होंने डॉक्टर साहब ने जैसे खुद आपको बताया, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक होता है, आपको विजिट कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं और सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाही दीजिएगा। क्वेश्चंस कोई पूछ रहे हो आपको डॉक्टर उस्मान पटेल से, डेंटिस्ट जो हैं उनके दांतों के हवाले से, मसूड़ों के हवाले से, किसी से भी आप बिल्कुल हमारे साथ बिला झिझक आप हमसे पूछ सकते हैं और हम डॉक्टर साहब को डायरेक्ट मधु करके बुलाएंगे भी और आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।